हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम आपके लेसन 4 एनिमल किंगडम का बिल्कुल लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्टिब्रेटा को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उसको किस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में, डिफरेंसेस की फॉर्म में देख सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करा दूं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कि वर्टिब्रेटा जो है इसको एक अलग फाइलम बनाया गया है। फाइलम कैसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनमें एक खास फीचर होता है कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब जो नोटोकोड है वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हो। और इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक गनेथा यानी कि जिनके पास जो नहीं होती है, गनेथोस्टोमेटा जिसमें जो है, एक गनेथा की जो सबसे पहली आप कह सकते हो एक सिंगल जो क्लास है जो एक गनेथा में इंक्लूड है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तो इनमें जो नहीं होती इसलिए हम इनको जो लेस वर्टिब्रेट भी कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जो यानी कि जाड़ नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेज। एक्टोपैरासाइट मैंने आपको पहले भी बताया था, पैरासाइट होता है परजीवी, यानी कि जो किसी दूसरे के शरीर पर चिपक जाता है और उससे न्यूट्रिशन भी लेता है, शेल्टर भी लेता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। और एक्टो का मतलब होता है जब वो शरीर के ऊपर आकर चिपकता है। तो इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी फिश के शरीर पर जाकर चिपक जाते हैं। इनकी बॉडी काफी लंबी होती है, इनके पास 6 से 15 पेयर्स तक गिल स्लिट्स हो सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो इनको रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में हेल्प कर सकते हैं। इनका जो माउथ है, अगर आप इसको उठाकर देखो तो इसका जो माउथ है वो ऐसे गोलाई में होता है, सर्कुलर होता है, उसमें जॉज नहीं होती। और इसके अलावा इनके शरीर पे कोई स्केल्स नहीं होते। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जब आपको छोटी क्लास में भी फिश बनानी सिखाते थे तो इस तरीके से स्केल्स बनवाए जाते थे, बट इनके अंदर ये स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। पेयर्ड फिन्स होते हैं, फिन्स भी मतलब इसमें पेयर्ड नहीं है। पेयर्ड आपके का कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अगर लेफ्ट साइड पे फिन है तो सेम वैसा फिन राइट साइड पे होगा, मतलब पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे। क्रेनियम होता है जो हमारे ब्रेन के आसपास की हड्डी होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है। तो क्योंकि इनके अंदर हड्डी नहीं है तो इनका चाहे वो क्रेनियम है या चाहे इनका वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस है, मतलब हड्डी से ना बनकर कार्टिलेज से बना हुआ है। क्लोज टाइप सर्कुलेशन है, मींस कि पतली पतली पाइप्स के थ्रू सर्कुलेशन होता है। मरीन होते हैं यानी कि सी वाटर में रहते हैं, बट स्पॉनिंग का मतलब होता है अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में जा सकते हैं, कि मतलब बाकी सारी जिंदगी तो ये समुद्र के पानी में रहेंगे, लेकिन जिस टाइम इनको रिप्रोडक्शन करके एग्स रिलीज करने हैं, स्पॉनिंग करनी है, उस टाइम ये साफ पानी में, तालाब के पानी में चले जाते हैं। और स्पॉनिंग करना एक तरह से आप ये कह सकते हो इनकी जिंदगी का अंत है, क्योंकि स्पॉनिंग के बाद कुछ दिनों में ही इनकी डेथ हो जाती है। इनके जो लार्वे होते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि एग से लार्वा बनना, लार्वा से एडल्ट बनना, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस पूरा होने के बाद जो ये लार्वे है ये वापिस समुद्र में ही चले जाते हैं, मतलब सिर्फ ये लार्वा स्टेज तक ही साफ पानी में रहते हैं, उसके बाद ये फिर से ओशन में चले जाएंगे। अगेन जब इनको अंडे देने होंगे, स्पॉनिंग करनी होगी, तो ये फिर से साफ पानी में आ जाएंगे और वहां पे मर जाते हैं। इसमें एग्जांपल आता है पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे भी बोलते हैं, एंड मिक्सिंग इनकी हैगफिश। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और देखना है तो आप YouTube पे स्पेसिफिकली पेट्रोमाइजोन डाल के भी सर्च कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि इनका जो माउथ है वो बिल्कुल सर्कुलर है और इस पे इस तरह से सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सकर्स की वजह से ये दूसरी फिश के साथ जाके चिपक जाते हैं, मतलब अगर कोई बड़ी फिश है तो ये सकर की हेल्प से उसके साथ जाके लटक जाएगा और उसके सारी न्यूट्रिशन को डिराइव कर लेगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास आती है, दैट इज कॉन्ड्रिक्थाइज, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा की दो डिवीजन्स हैं। पहले डिवीजन में सिर्फ एक ही क्लास इंक्लूड थी, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे डिवीजन की, जिसे हम गनेथोस्टोमेटा भी कहते हैं, यानी कि जिनके पास जाड़ यानी कि जो होती हैं, उसकी भी दो क्लासेस थी, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। तो पहले हम फिशिज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप पाइसिस भी बोलते हो। तो फिशिज को भी हमने दो क्लास में डिवाइड कर दिया है। पहली क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इनकी बॉडी में हड्डी नहीं होती, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो सारा कार्टिलेज का बना होता है।
स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि आगे से और पीछे से तो थोड़ी सी नुकीली होगी, शार्प होगी, और बीच में से थोड़ी सी चौड़ी होगी, वाइड होगी। तो और इनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब आगे की तरफ लोकेटेड होता है, इस तरफ लोकेटेड होगा। ये जो इनकी डोर्सल साइड है, कमर की तरफ है, यहाँ लोकेटेड नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा, वेंट्रल साइड पे। इनकी पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड रहती है, गिल स्लिट्स सेपरेट भी होते हैं, उनमें ऑपरक्यूलम नहीं होता। ऑपरक्यूलम मतलब उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, कोई ढक्कन नहीं होता। इनकी स्किन काफी हार्ड होती है और उसमें जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो स्केल्स हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंगली हम उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है कि इनके जो टीथ हैं वो भी स्केल्स जैसे ही है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो स्केल्स हैं वही मॉडिफाई होकर टीथ बना देते हैं। और जो इनके टीथ हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। इनकी जॉज बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और ये एनिमल्स प्रीडेशियस है। प्रीडेशियस मतलब शिकारी, प्रीडेटर्स हैं, शिकार करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। इस वजह से इनकी जो जाड़ है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, तो इस वजह से अगर ये अपने आप को डूबने से रोकना चाहते हैं तो इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है। बाकी के बच्चों जो हम फिशेज पढ़ेंगे, बोनी फिशेज, उनमें एयर ब्लैडर होता है, मतलब कि एक हवा का गुब्बारा होता है जिसकी वजह से वो आसानी से तैर सकते हैं। बट इनको एयर ब्लैडर ना होने की वजह से लगातार तैरना पड़ता है, मतलब ये गैप नहीं ले सकते। अगर ये गैप लेंगी तो ये पानी के अंदर डूब जाएंगी। इनका जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड होता है, उसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का मतलब होता है कि स्पेसिफिक कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सेंसेशन में हेल्प करते हैं। इसमें एग्जांपल आता है टॉरपीडो का। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पॉइजन स्टिंग यानी कि डंक के अंदर जहर होता है, अगर वो किसी को काट दे तो वो मर सकता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि इनको हम पोइकिलोथर्मस बोलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे वन मार्क में भी पूछा जा सकता है वाटर पोइकिलोथर्म्स। तो पोइकिलोथर्मस एनिमल्स जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर आप फिशेज को गर्म पानी में डालोगे तो वो उनका जो खून है वो गर्म हो जाएगा, अगर आप उसको ठंडे पानी में डालोगे तो ठंडा हो जाएगा। इट मीन्स कि वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। पर हम लोग हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो यानी कि हमारे अंदर पावर है कि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को हर स्थिति में रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है उन्हें हम बोलते हैं होमोथर्म्स, और जो रेगुलेट नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। तो जो पहली तीन आपकी क्लासेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, वो सारे पोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्योंकि वो अपने तापमान को रेगुलेट नहीं कर सकते। इनमें सेक्सेस अलग अलग हैं, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। इनमें जो मेल्स होते हैं उनकी जो फिन्स हैं उनमें क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्प का मतलब किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, यानी कि इनके जो फिन्स हैं उनके आगे कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरी चीज को पकड़ सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि मदर की बॉडी के अंदर ही जो गैमीट्स हैं वो आके जुड़ते हैं। आप यहाँ पे इनके डायग्राम देख सकते हो, जैसे स्कॉलियोडोन एंड प्रिस्टीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होंगे। और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वीवीपैरस हैं। वीवीपैरस मतलब कि जो अंडे ना देकर डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें एग्जांपल आता है स्कॉलियोडोन, जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसे हम डॉग फिश भी कहते हैं। प्रिस्टिस जिसे हम सॉ फिश भी कहते हैं। इसके अलावा कार्कोडोन और ट्राइगोन जिसको हम स्टिंग रे भी कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई भी 2 या 3 एग्जांपल्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेन जो फीचर हमने यहाँ पे देखा बच्चों वो ये है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं इनके स्केलेटन में हड्डी नहीं होती। दे लैक बोन्स बट दे कंटेन कार्टिलेज। इसके अलावा इनमें हमने बताया था कि कुछ ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि ये कम्युनिकेशन या अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं। और इनमें से मोस्टली ऐसे हैं जो शिकारी होते हैं, यानी कि दूसरी छोटी फिशेज कह सकते हैं, छोटे जीवों को खाते हैं। इसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है दैट इज क्लास ऑस्टिक थाइज।
इसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज आती हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, वही जो मैंने आपको बताया था, आगे और पीछे से थोड़ी सी शार्प होगी, बीच में से वाइड होगी। इनका माउथ टर्मिनल है। पहले वाली जो हमने क्लास पढ़ी थी उनका माउथ जो था वो वेंट्रल था, मतलब आगे की तरफ था। इनका टर्मिनल यानी कि एक कोने पे होगा। उनमें हमने ये पढ़ा था कि गिल्स के ऊपर कोई कवर नहीं है। इनमें चार पेयर्स होते हैं गिल्स के, और उनके बाहर ऑपरक्यूलम यानी कि कवर होता है जो उनको ढक के रखता है। उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्किन है उस पर प्लैकोइड स्केल्स थे। इनमें जो स्केल्स हैं वो साइक्लोइड या स्टीनोइड स्केल्स हैं। उनमें हमने ये पढ़ा था कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि इनकी ब्यूएंसी को मेंटेन करके रखती है, यानी कि बिना स्विमिंग करे भी ये पानी में डूबते नहीं है। हार्ट इनमें भी टू चैम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट हैं। बट इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, यानी कि ये अपने गैमेट्स को पानी में छोड़ देते हैं। उनका जो फ्यूजन है वो पानी में ही होता है। ये ज्यादातर अंडे देते हैं, और इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है, मतलब कि कोई लार्वा स्टेज नहीं बनती। इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके एक्सोसीटर्स, जिसको हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, जैसा कि आप यहाँ साइड वाली पिक्चर में देख सकते हो। इसके अलावा लेबियो, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन फिश है जो आपने नॉर्मली गुरुद्वारे वगैरह में भी तालाब में देखी होगी। कैटला या एक्वेरियम में भी जो फिशेज रखी जाती हैं वो ऑस्टिक थाइस कैटेगरी की ही होती हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो ये है कि आपको कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस इन दोनों क्लासेस के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। सेंटर में लाइन लगा के आप इनके बीच में डिफरेंसेस लिखोगे। सीधे सीधे डिफरेंसेस है जो भी मैंने आपको पढ़ाते हुए भी कंपैरिजन में बताए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है दैट इज क्लास एम्फीबिया। तो जैसा कि नाम से पर चल रहा है, एम्फीबिया का मतलब होता है जिनमें डुअल यानी कि दो लाइफ जो जीते हैं। तो एम्फीबियंस की खास बात यह है कि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये जमीन पे भी रह सकते हैं। इनमें दो पेयर्स होते हैं लिम्स के। इनकी बॉडी जो है वो हेडोट्रंक रीजन में डिवाइडेड होती है। इनमें कुछ में टेल पाई जाती है, कुछ में टेल नहीं होती। इनकी आंखों के ऊपर आईलिड्स होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि छोटी सी स्किन की कवरिंग होती है जो आंखों को कवर करती है। कान की जगह पे टिम्पैनम होता है, जैसे आपने मेंढक में भी देखा होगा। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स, ये सारी चीजें, मतलब जहां से वो खाना खा रहे हैं, जहां से वो यूरिन कर रहे हैं और जहां से वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इन तीनों चीजों का एक कॉमन चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोका, मतलब एक छेद होता है उसी में तीनों चीजें जाके जुड़ती हैं और उसी के थ्रू वो सारा कुछ बाहर निकालते हैं। मतलब चाहे उनका यूरिन है, चाहे उनकी फीसिस यानी कि पोटी है, या चाहे रिप्रोडक्शन के दौरान उनके गैमेट्स है, वो सारी चीजें क्लोका के थ्रू ही बाहर निकलती हैं। ये गिल्स के थ्रू भी सांस ले सकते हैं। अगर ये पानी में है तो ये गिल्स से सांस लेंगे, अगर ये जमीन पे है तो ये लंग्स यानी कि फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं और स्किन से भी सांस ले सकते हैं। इनका जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड है। फिशेज में हमने ये पढ़ा था कि उनका हार्ट टू चैम्बर्ड है, बट इनका जो हार्ट है दैट इज थ्री चैम्बर्ड। दो ऑरिकल्स होंगे, एक वेंट्रिकल होगा। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि पोइकिलोथर्मस हैं। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि ये भी बाहर पानी में अपने गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं, वहीं पर उनका फ्यूजन होता है। ओवीपैरस होती हैं, यानी कि अंडे देते हैं और इनडायरेक्ट होती है डेवलपमेंट यानी कि लार्वा स्टेज। जैसे आपको पता होगा मेंढक जो है उसमें पहले टेडपोल भी बनता है। एग्जाम्पल है इसका बफो, राना, हाइला, ये सारे फ्रॉग्स हैं, पर इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सेलेमेंड्रा जैसे कि आपको दिख रहा होगा, वैसे तो देखने में आपको ये छिपकली है गिरगिट जैसा लगेगा, बट ये एम्फीबिया की अंदर आता है। इसके अलावा इक्टियोफिस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, तो मैंने आपको इस लेसन की स्टार्टिंग की वीडियोस में ही बताया था कि हम जैसे जैसे आगे के फाइलम और क्लास पढ़ेंगे तो आपको वो आसान लगेगा, क्योंकि उसमें आप जो एनिमल्स देखोगे वो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास देख चुके होते हो, तो इसलिए उनके बारे में पढ़ना या स्टडी करना आपको ईजी भी लगेगा। तो नेक्स्ट आती है क्लास रेप्टीलिया। रेप्टील का मतलब होता है रेंगने वाले, यानी कि क्रीपिंग या क्रॉलिंग करने वाले, रेंगने वाले जानवर। तो क्योंकि ये चलने के लिए रेंग कर जाते हैं तो इसलिए इनको रेप्टीलिया बोलते हैं। ये भी ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं।
इनका जो शरीर है उसके ऊपर ड्राई एंड कॉर्नीफाइड स्किन होती है, मतलब नुकीली सी स्किन होती है जो थोड़ी सूखी सूखी से भी होती है, और इसके अलावा स्केल्स भी होते हैं जिनको स्कूट्स भी बोलते हैं। जैसे आपने छिपकली की बॉडी पर भी अगर कभी ध्यान से देखो तो बहुत आपको छोटे छोटे से स्केल्स उस पर दिखेंगे। इनके बाहर की तरफ कोई कान नहीं होते, मतलब इनमें कान नहीं होते हैं, ये वाइब्रेशंस के थ्रू मतलब अपनी स्किन के थ्रू वाइब्रेशंस के थ्रू महसूस करते हैं। टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम जो है वो ईयर का काम करता है। अगर लिम्ब्स होते हैं तो उनमें दो पेयर्स होंगे, दो हाथ और दो पांव। इनका हार्ट भी 3 chambered होता है। अकेला एक क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट 4 chambered है, बाकी जितने भी हैं सबका जो हार्ट है वो 3 chambered होता है। और ये भी पॉइक्लोथर्म्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रेप्टाइल्स तक आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही रहेंगे। स्नेक और लिजर्ड जो हैं उनका आपने देखा भी होगा, मुझे ध्यान नहीं है कि उसको हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वो अपनी जो स्केल्स हैं यानी कि जो अपनी बाहर वाली परत है स्किन की उसको निकाल भी देते हैं। कंचनहारी कुछ इस टाइप से आपने वर्ड सुना भी होगा कि वो अपनी स्किन जो है उसको उतार देते हैं, अपनी स्केल्स को उतार देते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि मदर के अंदर ही जो है फ्यूजन होता है। ओवीपेरस है, अंडे देते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब इनमें कोई लार्वा नहीं बनता। इसमें टर्टल टोर्टोइस, टर्टल जो है बेटा ये भी कछुए जैसा होता है पर ये तैरता है। कछुआ हो गया आपका, जो आपने देखा होगा पानी में भी डाल दो तो वो चलता रहेगा, वो तैरेगा नहीं। इसके अलावा कैमिलियन जिसको आप गिरगिट भी बोलते हो, और कैलोटिस। इसके अलावा क्रोकोडाइलस यानी कि आपका मगरमच्छ, एलिगेटर। मगरमच्छ और एलिगेटर, एलिगेटर होता है घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ में ये फर्क है कि जो मगरमच्छ होता है उसका जो आगे से ये होता है स्नाउट होता है ये थोड़ा सा वाइड होता है, एलिगेटर में ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, उसको हम स्नाउट बोल देते हैं, तो उसका स्नाउट जो है वो पॉइंटेड होता है। इसके अलावा छिपकली जिसको हम हेमिडेक्टाइलस कहते हैं, जितने भी आपके सांप हैं चाहे वो कोबरा है या चाहे वो वाइपर है, वो सारे रेप्टाइल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज एवीज। एवीज में बेसिकली हमारे जो बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी हैं वो आते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके शरीर में फैदर्स यानी कि पंख होते हैं, और ज्यादातर इनमें से जो बर्ड्स हैं वो उड़ भी सकते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ पाते, और कुछ भी क्या जनरली तो एक ही है ऑस्ट्रिच, क्योंकि बाकी ये है कि थोड़ा थोड़ा तो उड़ ही लेते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिच है वो उड़ नहीं पाता, वो सिर्फ चलता है। इनकी चोंच होती है, बीक होती है जिसके द्वारा ये दाने वगैरह चुभते हैं या अपने आप को डिफेंड करते हैं। इनके जो फोर लिम्स है, वैसे तो इनमें भी चार ही है वही है हाथ पांव, लेकिन इनके जो फोर लिम्स, फोर का मतलब होता है ऊपर वाले, हाइंड का मतलब पीछे वाले यानी कि जो पैर है, फोर लिम्स मतलब हाथ, तो इनके जो फोर लिम्स है वो पंखों में बदल जाती हैं, और जो हाइंड लिम्स हैं उनमें स्केल्स होते हैं, और वो इनको वॉकिंग, स्विमिंग या फिर पेड़ों की शाखाओं को क्लास्प यानी कि पकड़ने में मदद करते हैं। इनकी स्किन बिल्कुल ही ड्राई होती है, उस पर कोई ग्लैंड नहीं होता, सिर्फ ऑयल ग्लैंड है जो इनकी पूंछ की तरफ प्रेजेंट होता है, और इनके पूरे शरीर पे कहीं पे ग्लैंड नहीं होता। इनका जो स्केलेटन है वो बोनी होता है यानी कि इनके अंदर हड्डी होती है, और इनकी जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं वो खाली होती हैं विद एयर कैविटी, मतलब हमारी अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो हमारी जो हड्डियां हैं वो इनकी हड्डियों से ज्यादा भारी हैं क्योंकि वो अंदर से सॉलिड है, लेकिन इनकी जो हड्डी है वो होलो होती है, उनमें एयर कैविटीज होती हैं जिसकी वजह से ये हल्के रहते हैं। अगर ये ज्यादा इनकी जो बोन्स हैं अगर वो सॉलिड हो जाएंगी तो इनका वजन ज्यादा हो जाएगा, तो उनको उड़ने में दिक्कत आएगी, तो क्योंकि इनकी बोन्स खाली होती हैं, होलो होती हैं, उनमें एयर कैविटीज भरी रहती हैं, तो इस वजह से ये हल्के रहते हैं और इनको उड़ने में हेल्प मिलती है। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ अलग से भी चीजें पाई जाती हैं जैसे कि क्रॉप एंड गिजर्ड। हार्ट इनमें 4 chambered है यानी कि 2 auricles होंगे, 2 ventricles होंगे, जिनको आप 10th में भी आपने हार्ट के डायग्राम में पढ़ा होगा, या अभी भी हम आगे जब सर्कुलेशन वाला करेंगे तब भी हम पढ़ेंगे auricles एंड ventricles, जिसको आप एट्रियम भी बोल सकते हो। वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि ये हर मौसम में अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए इनमें लंग्स होते हैं। लंग्स के साथ एयर सैक यानी कि हवा के पैकेट्स भी होते हैं जो इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यानी कि मदर की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। ओवी पैरस हैं, अंडे देते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वा
नहीं बनता। इसमें एग्जाम्पल जितने भी आप अपने आसपास पक्षी देखते हो कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि क्रो, पीजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। तो इसमें अगर आप बायोलॉजिकल नेम याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर सकते तो सिंपल नेम्स तो आप कर ही सकते हो। इसके बाद जो लास्ट इसमें आती है दैट इज मैमेलिया। मैमेलिया नाम इसलिए बना है क्योंकि इनके पास मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके द्वारा ये अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो मैमेलिया क्लास में दो ऐसी खास बातें हैं जो इनको बाकियों से अलग करती है, दो भी नहीं आप कह सकते, तीन चार ऐसी चीजें हैं जो इसको बाकियों से अलग करती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रह सकते हैं, मतलब इनकी आवास, इनकी जो रहने की जगह है वो हर जगह है, जरूरी नहीं है जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि या तो कोई पानी में है या कोई जमीन पे है, ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे आप बर्फ में चले जाओ, चाहे आप रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे आप पहाड़ों में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, घास के मैदान में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, मतलब कि जितने भी अलग अलग जगह हो सकती हैं ये सब जगह पाए जाते हैं। ये उड़ भी सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं, मतलब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो उड़ भी पाते हैं जैसे चमगादड़, और कुछ हैं जो पानी में भी रह सकते हैं। सबसे खास बात इनकी ये है कि इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिसके द्वारा ये अपने बच्चे को नरिशमेंट दे सकते हैं, और एक इनके शरीर के ऊपर हेयर होते हैं जो हमने अभी तक किसी और में नहीं पढ़ा है। दो पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं जो इनको चलने में, भागने में, दौड़ने में, चढ़ने में, गड्ढा खोदने में, बरोइंग मतलब गड्ढा करना, तैरने में, उड़ने में, हर चीज में हेल्प करते हैं। इनकी जो स्किन है उस पे हेयर है जो मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा जो एक्सटर्नल ईयर्स है जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे आपने अपने भी देखे होंगे, हमारे में भी पिन्ने होते हैं जिसपे हम ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं। इनके जो में अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, ये होम्योथर्मस यानी कि अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं। सेक्सेस अलग है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि मदर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। वीवी पैरस है, मतलब अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन दो तीन इसमें एक्सेप्शन है जो आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हो। इसमें ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस हम जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा मैमल है जो अंडे दे सकता है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे वीवी पैरस है। एक और एग्जाम्पल है जो अंडे दे सकता है, वो आप खुद फाइंड आउट करोगे, और वीवी पैरस तो सारे ही हैं क्योंकि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और इनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वा स्टेज नहीं बनती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी फाइला भी हमने पढ़े हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो डायरेक्टली दिए हुए हैं, मतलब अगर आप इन चीज़ों को भी पढ़ लो तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब आप ये लेसन करोगे तो बेहतर यही होगा कि आप इसको कंपैरिजन में करो कि उसमें क्या था इसमें क्या है। अगर आप सिर्फ एक ही फाइलम को पढ़ते जाओगे तो आप भूल जाओगे कि पहले वाले में क्या था, तो इससे जब भी आप पढ़ो तो आप कंपैरिजन करो, क्योंकि क्या होता है इस चैप्टर में से बच्चों डिफरेंसेस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट नोट लिखना भी आ सकता है, ये भी हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर फीचर दे दे और पूछ लिया जाइए किसका है, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप जब भी पढ़ो तो आप इसको कंपैरिजन करके ही पढ़ो। तो जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन की फॉर्म में ही दिया हुआ है, सबसे पहले ये बता रखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, सिमेट्री किस टाइप की है, उसके बाद ये बता रखे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, सेगमेंटेशन है या नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, या है या नहीं है, ओपन है या इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट है, और डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब ऐसा कौन सा खास फीचर है जो बाकियों से इसको अलग करता है। तो ये तो आपने जरूर करना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में या नीट एग्जाम में मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो लेसन नंबर 4 है दैट इज कम्प्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं।